इधर भी रहा उधर भी रहा। रस रघुनाथ का नंदी सुत का सखा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंदी सुत का सखा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख विलास अवध और ब्रजवास का कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा कुछ इधर भी कुछ उधर भी। रंगीनालेस पापी मन को अपने ही रंग में माया रंगी दे प्रभु नाम के रंग में काया क्या जाने पा
पापी मन पर रंग कैसे चढ़ जाए, जिस पर तेरी कृपा हो भगवान उसी पे रंग चढ़ाए। हम क्या जाने पापी मन पर रंग कैसे चढ़ जाए, जिस पर तेरी कृपा हो भगवान उसी पे रंग चढ़ाए। हम बालक गए हम पर करना अपनी कृपा की दया, रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, रंग दे प्रभु नाम के रंग। सब रंगों से गए तेरा रंग निराला, काले पीले रंगों का गए ये मेरा जग सारा, दुनिया के सब रंगों से गए तेरा रंग निराला। जिसको लागा ये रंग तेरा कोई उतार ना पाया हो, रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, रंग दे प्रभु नाम के रंग काया। सबरी पे रंग चढ़ा था जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे जिस रंग रंगे कबीरा। जो सबरी पे रंग चढ़ा था जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे जिस रंग रंगे कबीरा। ऐसा ही मुझे मस्ती बना अपने ही रंग में माया, रंग दे प्रभु नाम के रंग में माया, रंग दे प्रभु नाम के रंग माया, नाम के रंग में काया।
अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता,
दुनिया में अपना कोई नहीं था, दुनिया में अपना कन्हैया से मिलना लगता था सपना, कन्हैया से मिलना लगता था सपना। कन्हैया ने मुझको पुकारा ने होता, कन्हैया ने मुझको पुकारा ने होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता। रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल से नाथ बजाए रहो, नित्य बाकी झांकी निहारा करो, नित्य बाकी झांकी निहारा करो, छवि छाक से नाथ छकाए रहो, बिहारी यही बिनती मेरे नैनास ने ना मिलाए रहो, मेरे नैनास ने ना मिलाए रहो, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम
भाव सुंदर का सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, सहारा न होता, सहारा न होता, सहारा न होता। जय जय श्री राधे। नंदलाल तेरी मेरी बातें एक तू जाने या मैं जानूं, जन्मों जन्मों की मुलाकातें एक तू जाने या मैं जानूं, तेरे अश्कों की प्यारी ये बरसातें एक तू जाने या मैं जानूं, आए मिलन की बोरातें एक तू जाने या मैं जानूं, काना मेरा रंग रंगीला छेल छवि या काना की छवि पे मैं जाऊं बार बार बलिहा, मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, शरण तेरी मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी,
तेरा दीवाना। कहाँ कहाँ परे भटका तेरा दीवाना, जाने कहाँ कहाँ परे भटका तेरा दीवाना, जाने कहाँ कहाँ परे भटका तेरा दीवाना। दर ये तुम्हारा प्यारे मेरा आखिरी ठिकाना, दर ये तुम्हारा प्यारे मेरा आखिरी ठिकाना, जिस पे किया भरोसा उसने किया भरोसा उसने ही आंख फेरी, मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण बिहारी आ गया मैं शरण तेरे। जय हो था मिले कन्हैया दुखों से पार करके, अपनी शरण में ले ले आया हूँ हार करके, अपनी शरण में ले ले आया हूँ हार करके, ंगदो विवाय पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरशुचि पुंडरीकाक्षपनातु पुंडरीकाक्षपनातु।
पुंडरीकाक्ष पुनातुः पवित्रीकरणं कुर्यात्। हस्तौ प्रक्षाल्य क्रिया शम्य केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य यजमाने मस्तके स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। स्वस्ति न इन्द्रो वृषभाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आदित्यावसमो रुद्रा विश्वे देवः मरुद्गण तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके, शरण्ये तरण्ये गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय ध्यानं कुर्यात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भाग्यवतं रसिमालयं मुहुरभोरसिका भुवि भावुकम्। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। अध्याय जनन्ति अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तम भगवान की जय। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि। ॐ त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामेन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदि सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। गन्धम् अक्षतान् पुष्पं सर्पयामि, पुष्पं पुष्मालां परिधापयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसु आनन्दपुण्यफलदः मतः शान्तिं प्रयच्छ मे। तुलसीदेव्यै कृष्णप्रियाय श्रीराधास्वरूपाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। बोली पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। नमस्करोमि यस्याम्बै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोकमो भयापयं स्वकीयं यद् भवस्तेजस् भागवते दधा तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवं तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रविणात् पाठात् दर्शनात् पापिनाशिनि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलि पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलि सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे 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 गोविंदे गोविंद राधे 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 गोविंदे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंदे गोविंद Thank you.
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे मनोवृंदावन बिहारी लाल के श्री रमण बिहारी लाल के सतगुरुदेव भगवान के श्री गुरु कार्ष्णी जी महाराज के भागवत महापुराण के जय जय श्री राधे श्याम। आइए सज्जनों, हम और आप बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं ऐसे पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर हम और आप सभी को दिव्य श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौवसर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही हम बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पुरुषोत्तम मास में यह दिव्य भागवत का अवगाहन श्रवण लाभ प्राप्त हो रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस है जिसमें पूज्य महाराज जी के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रसंगों का श्रवण लाभ प्राप्त होगा। श्री विदुर जी महाराज का पावन चरित्र होगा, ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र होगा, जड़व्रत जी महाराज की सुंदर कथा का श्रवण लाभ हम सभी लोग करेंगे। हमारे इस श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान मुख्य श्रोता बन करके अपना परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं हमारे धनपत राय कालरा जी, परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए, यह अवसर बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है जो कि हमें संतों का समागम भागवत कथा यदि हमें सुनने को प्राप्त मिल जाए तो वास्तव में हमारा ये परम सौभाग्य है। राम भजन बिन सुनहु खवगेसा, मिटहिन जीवन केर कलेसा। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर निवेदन किया है, संसार में यदि हमें रोगों से मुक्त होना है, कष्टों से मुक्त होना है, तो उसके लिए केवल भगवान नाम का सहारा ही लेना पड़ेगा, भागवत की शरण में ही आना पड़ेगा, सद्गुरुओं की शरण में ही आना पड़ेगा। तो वही हम और आप सभी को यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, कर भगवान की जय। जय जय श्री राम।
नमः पार्वती पतये हर हर सरस्वत्यै नमः श्री गुरुचरण कमले भ्यो वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे तं नृसिंह गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डानन्द बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्द तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम भपुये के पद बंदन किए सही बीन अने सही बीन बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की जय श्री पुरुषोत्तम मास की जय 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 श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कर्तरु अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गोपी जन जीवन धन राधा प्राणेश्वर राधा रमण बाधा हरण रुक्मिणी रमण राज बिहारी कुंज बिहारी बांके बिहारी बोर मुकुटधारी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा के पावन चरणों में नतमस्तक होकर के अपने जीवन को सफल बनाएं। श्रीमद् भागवत के
उरुझरों से पयोधरों से झरता हुआ निर्झरता हुआ पैपान करके मज्जन करके अपने जीवन को सफल बनाए। भगवान की ऐसी पावन कथा पुरुषोत्तम मास में श्रवण करके अपने इस समय को मूल्यवान बना के सार्थक करें, यही सफलता जीवन की है। जितनी आप भगवान की शरणागति का लाभ प्राप्त करेंगे उतना ही आप कल्याणकारी सुखद जीवन प्राप्त करेंगे, क्योंकि धन यौवन यो जाएंगे जैसे उड़त कपूर। धन यौवन यो जाएंगे जैसे उड़त कपूर, नारायण गोविंद भज क्यों चाटत जग धूर। कपूर आप लोग जानते होंगे, कपूर को आप किसी भी डिब्बे के अंदर रखो उड़ जाता है। सुबह कपूर लाओ और ऐसे रख दो, शाम तक थोड़ा सा बचेगा, उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि कपूर का स्वभाव है उड़ जाता। ऐसे ही धन यौवन, धन भी ऐसे ही चला जाता है, पता नहीं लगता। और यौवन, यौवन माने जवानी, जवानी का पता नहीं लगता कब निकल गई। और फिर जब 50 पार करते, अरे हम तो बूढ़े हो गए, पता भी नहीं लगता। ऐसे लगता है इतनी छोटी जिंदगी। फिर बुढ़ापा आ गया, फिर पूछा कि क्या किया आपने अपने लिए, बोले कुछ नहीं किया। फिर क्या किया, बोले 25 साल तक पढ़ाई करते रहे, फिर शादी हो गई, फिर बच्चों को पढ़ाया, इसी में लगे रहे। फिर बोले घर मकान बनाया, इसी में समय निकल गया। फिर अपने लिए, बोले बस बुढ़ापा आ गया, कुछ नहीं कर पाया। फिर चांस नहीं बचता, अवसर नहीं बचता पास में, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये शरीर प्राप्त करके आपको द्वारा ही मनुष्य मिले। इसलिए जो समय भगवान ने दिया है, ये कपूर की तरह उड़ रहा है, इसको अच्छे कामों में लगाइए, अच्छा कार्य करिए। तो धन यो बनियो जाएंगे जैसे उड़त कपूर, नारायण गोविंद भजो क्यों चाटत जग धूर। नारायण गोविंद भजे क्यों चाटत जग धूर। इसलिए भगवान की शरणागति ही श्रेष्ठ है। तो आइए भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। व्यासपीठ पर विराजमान मेरे परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए आइए कथा प्रारंभ करें। उपस्थित सभी संत वृंद, आचार्य वृंद, शास्त्री वृंद, भक्त वृंद, सद्धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, प्रभु की कथा से पूर्व आइए अपनी वाणी को, मन के चित्तवृत्तियों को एकाग्र करने के लिए कुछ क्षण प्रभु चरणों में वंदन करें, फिर कथा सुनाने का प्रयास करते हैं। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते चलो तज
ममता मेरा पग धरे वहां धरूं मैं पाछे पाछे Radha Krishna
अस्तित्व हरि जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णं गतिर्मम राधा कृष्णं चेतस्थितो हरि जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णं गतिर्मम राधा कृष्णं गतिर्मम जय राधा कृष्णं गतिर्मम Da da.
राधे 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 जमुना तट पे राधे राधे बंसीवट पे राधे राधे सेवागुन में राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे सिकोस में राधे राधे ब्रजमंडल में राधे राधे कुंजगल में राधे राधे फरीदाबाद में राधे राधे फरीदाबाद में राधे राधे लालकी मंदिर में राधे 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 काल के पूर्व प्रसंग में परमहंसों के सूर्य आचार्य पाद श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत के रसिक श्रोता रसिक शिरोमणि राजा परीक्षित जी को भागवत तत्व का वर्णन श्रवण कराते हुए भगवान के महात्म की कथा श्रवण कराई। श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराई और गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त संपूर्ण ग्रामवासियों को कथा श्रवण कराई। भागवत कथा में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और प्रभु ने दर्शन दिया। भगवान की कथा श्रवण करके गोकर्ण जी के सहित संपूर्ण ग्रामवासी संपूर्ण नगरवासी भगवान के धाम को गए। गोकर्ण तब गोविंदो गोलोकम दास्यति स्वयं। गोलोकम दास्यति स्वयं गोकर्णेन स गोपालो गोलोकम दास्यते स्वयं। गोलोक धाम में सब लोग भगवान की कथा श्रवण करके पहुंच गए। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। भगवान का सत्संग एक शब्द भी मानव के जीवन को बदल देता है। मानव के जीवन को बदल देता है। धुंधकारी ने 7 दिन कथा सुनी, उसका जीवन सफल हुआ और जीवन का उद्धार हुआ, ये बहुत बड़ी बात नहीं। 7 दिन तो बहुत बड़ा अवसर है। यदि एक शब्द भी भगवान की कथा का सत्संग का पड़ गया तो मानव के सारे जीवन बदल करके परमात्मा में पहुंच जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। भगवान का सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। बड़े से बड़ा पापी ही क्यों ना हो, वो भी यदि सच्चे मन से सुने, झूठ के भी सुन ले, धोखे से भी सुन ले, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे एक ठगिया था,
ठगिया जानते हो, जो ठग विद्या जानते हैं, 10,000 के 20,000 सोने की ईंट, ठगियों से सावधान। कई लोग ठगियों के चक्कर में आके ठगे गए, अब बताऊंगा नहीं, प्रेम से बोलो राधे राधे। सोने की ईंट वाला आया और चुपचाप कपड़ों में ढक करके और बड़ी विधि विधान से बोले, सोने की ईंट है ये, 50 लाख की है, कम से कम होगी वो 10 किलो, और वो पीतल की थी, केवल उसका कोना ही सोने का था, 2-4, 10 तोला उसमें होगा, तो 10-12 लाख ठग ले गए। और देखी वह तो सारी पीतल की थी, ऊपर से जो पानी चढ़ा था सोने का, 2-4 तोला सोना हाथ आया और 10-20 लाख रुपए ले गए। तो ठगिया था, उसने अपने जीवन में पूरी जिंदगी ठग विद्या से धन कमाया, बच्चे भी ठग विद्या, पत्नी भी ठग विद्या, सब पूरा परिवार। और उसने नियम करा था कि देखो जहां भी ठगने जाओ तो कथा कभी नहीं सुनना, भगवान की कथा कभी नहीं सुनना, भगवान राम जी का किसी का नाम कभी नहीं लेना, और किसी मंदिर में मत्था नहीं टेकना, और यदि ऐसा करते पाए गए तो हाथ पैर तोड़ देंगे। तो जो मेन ठगिया था उनका मुख, उस ठगिया ने जो है अपने बेटों को, परिवार वालों को खूब डांट डांट के, मार पीट करके और बिल्कुल ठग विद्या सिखा दी। एक दिन उसका बेटा गया तो वो बहुत सारा धन ठग विद्या में लाके और आ रहा था, उधर से आ रहा था, रास्ते में एक जगह भागवत कथा हो रही थी, वो भागवत कथा में माइक लगे हुए थे, तो माइक की आवाज दूर तक जाती है, वो जंगल ही जंगल जा रहा था। उसने देखा कि अरे वो तो वहां कथा चल रही है, वो सुनना नहीं है, वो मना किया है, क्योंकि भगवान की कथा सुनेंगे तो फिर पाप कर्म करेंगे नहीं, भगवान के चरणों में मत्था टेकेंगे तो बुद्धि पवित्र हो जाएगी, पाप कर्म की प्रवृत्ति ही नहीं रहेगी, भगवान का नाम लेंगे तो फिर सदमार्ग पर ही जाना पड़ेगा, उनका उल्टा था। तो अरे बोले पिताजी ने कहा था कि वो सुनना नहीं, भगवान की कथा कभी नहीं सुनना। सो उसने क्या किया कि जैसे ही वो रुई लगा रहा था कान में तो उसको कांटा लग गया, और सिर पे वो धन रखे हुए था लूट के जो लाया था ठग करके, तो उसने वो कांटा निकालते समय देर हो गई कान में रुई लगाने के लिए, उसने इतना सुन लिया कि देवी देवता कभी भी पलके नहीं झपकते। भगवान की कथा में ऐसा प्रसंग चल रहा था कि जैसे हम आप पलके झपकते हैं ना, ऐसे 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 भगवान के कभी नहीं होते, हमेशा भगवान एकटक देखते हैं, इसलिए तो बांके बिहारी जी का पर्दा बार बार लगाया जाता है, जिसकी नजर मिल गई बांके बिहारी जी उसी के हो जाते हैं, इसलिए उनसे नजर मिलाना, संसार से नजर मिलाओगे तो धोखा मिलेगा, दुख मिलेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और यदि भगवान से नजर मिलाओगे तो जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए संसार को जीवर देख लिया, अब तुमको जीवर देखेंगे, अब तक तो हमने जहर पिया, अब अमृत पीकर देखेंगे। उस ठगिया ने कांटा निकालते समय वो सुन लिया कि भगवान जो होते हैं, भगवान कभी पलके नहीं झपकते, उनकी आंख बंद नहीं होती, हमेशा खुली रहती है। अब उसने इतनी बात सुन ली और जल्दी से कान में रुई लगाई और भागा वहां से, जल्दी ये कथा हो रही है कान में जाएगी। घर आया, घर में नहीं बताया किसी को कि मेरी कान में कथा पड़ गई, अब बहुत सारा धन लूट लाया था, उसमें कई मोहरें थी, सोने चांदी के सिक्के थे, बिस्किट्स थे, इस तरह से इकट्ठा धर लिया धन। एक दिन क्या हुआ कि शेर को सवा शेर तो मिल ही जाता है, सो उस ठगिया के घर में एक बड़ा ठगिया आ गया,
रात में ऐसी दीवाल थी और घर में सो रहे थे सब ऐसे खुले चौक में आनंद में कमरे थे दो चार, उसमें वो तीन चार भाई थे दो चार बहनें थी और पति पत्नी थे। तो उसमें वो जो मैन ठगिया था उसी के ऊपर में एक और दूसरा बड़ा ठगिया उसकी दीवाल को कूद करके और काली माता का रूप बना के आया। बढ़िया मुंडों की माला, चाइनीज मुंडों की माला बन जाती है ना आजकल, बिल्कुल प्योर लगते हैं कि ये असली मुंडे हैं। और बड़ी लंबी जीभ और बड़े बड़े बाल और तलवार ली एक में खप्पर लिए और काला रूप बना करके बिल्कुल देखें वो अंधेरे में तो डर ही जाते हैं। और जो मेन आदमी था उसका उसी की खटिया पर छाती पर खड़ा हो गया, बोल आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, और काली कलकत्ते वाली मेरा वचन ना जाए खाली, और तलवार घुमाना एक हाथ में खप्पर। वो जो ठगिया पड़ा था जो लूट लूट के इकट्ठा करा था वो कांप गया, बोले हे काली माता, बोले तूने संसार को बहुत लूटा, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरे परिवार को खत्म कर दूंगी। और लंबी लंबी सांस ले वे, हे काली माता क्षमा कर दो, अब हम आपके चरणों में रहें, जो आप कहोगे सो हम करेंगे। बोले तूने जितना धन एकत्रित किया उसमें से आधा धन तू यहां रख दे, और आज के बाद चोरी कभी मत करना, ठग विद्या कभी मत करना, वरना आज तेरा वंश खत्म कर दूंगी। और कूदे माता, वो मुंडे ऐसे ऐसे हिले, कांप गया, बोले माता जी आधा नहीं, मैं तो आधे से भी ज्यादा रख दूंगा, मोर कृपा करो। सो अंदर से जितना धन था वो सब इकट्ठा आंगन में उसने रख दिया। छोटा भाई बड़ा भाई वो सब आए तो जो जागे वो ही हाथ जोड़े, माता खेल रही काली माता पूरे आंगन में चौक में, और खप्पर हाथ में लिए तो पूरा तांडव हो रहा है माँ काली माता का, सब हाथ जोड़े। अब उसकी नींद खुल गई जिसने वो सुना था, वो आया और आया उसने देखा ये क्या नाटक हो रहा है रात दिन में, ये कौन नाच रहा है। देखा तो अरे काली माता, वो पिताजी भी चरणों में पड़े, माताजी चरणों में पड़ी, बहनें भाई सब जय काली माता जय काली माता। और जे गया वो काली माता के मुंह की तरफ देख रहा, आंखों की तरफ। अब काली माता होए तो होए, अब वो ऐसे आंख पलक झपक रहा और जैसे ही देखा सो काली माता की गर्दन पे चिपक गया और पटक दिया काली माता, और कभी काली माता उसके ऊपर कभी वो काली माता के ऊपर, और खूब गुत्थम गुत्था हुई। और फिर वो चिल्लाए वो जो था, बोले अरे ये काली माता नहीं, ये ढोंगी है, ये ठगिया है। सो सवरे पिल पड़े उस पर, सब पूरा घर ते मार, जिसके हाथ में जो पड़ा सो मारो मारो। अब तो काली माता सब इधर उधर हो गई, वो अब इतनी पिटाई हुई उसके हाथ पर तोड़ दिए। बोले अब मुझे छोड़ दो, बोले और आओगे हमारे पास लूटने, भाग यहां से, जान बचा के भागा। वो तो भाग गया। अब सब पूरे घर ने कहा क्यों रे, तेरे को ये कैसे पता लगा, आज तो हमारा जिंदगी का सारा धन जाने वाला था, तूने कैसे पहचाना कि ये काली माता नहीं। बोले कुछ नहीं, बोले नहीं सच बता, बोले डांटोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने कहा था पिताजी कि कथा नहीं सुनना सत्संग नहीं सुनना नहीं तो दंड दूंगा मारूंगा, इसलिए मैं वहां से ठग विद्या करके आया था, मुझे कांटा लग गया। और माइक में आवाज सुन ली कि देवी देवताओं के कभी आंखों के पलके नहीं झपकते, तो मैंने ये बात अपने मन में रख ली और अपने मन में दिमाग में रख ली। वो आज वो ही याद आई कि ये तो काली माता असली होंगी तो इनके पलके नहीं झपके जाएंगे। और जैसे ही देखा तो वो तो पलके झपक रहे थे, तो मैं समझ गया कि ये काली माता नहीं है, ये तो ठगिया है। इतना सुनते उनके माता पिता का भाइयों का सबका मन बदल गया कि भगवान की कथा में एक शब्द सुनने से
हमारे प्राण बच गए, हमारा धन बच गया, हमारा जीवन बच गया। तो यदि पूरी कथा सुनेंगे तो सारा जीवन ही सफल हो जाएगा। सब छोड़ दिया और उन्होंने संकल्प लिया पूरे परिवार ने कि आज के बाद किसी को धोखा नहीं दूंगा, आज के बाद भगवान की शरण में रहूंगा, भगवान की पूजा वंदन करूंगा। पूरा परिवार का कल्याण हो गया। तो जीवन में एक शब्द यदि उतार लिया तो पर्याप्त है। 7 दिन तो बहुत हैं। राजा परीक्षित की 7 दिन में मुक्ति हो गई। श्री जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए। श्री भगवान की शरणागति से हमारे आने वाली घटनाएं भी बच जाती हैं। परमात्मा की सन्निधि में रहने से हमारे जीवन में 24 घंटे सुरक्षा होती है। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का नियम बताया कि 7 दिन तक कथा श्रवण करें तो केवल फलहार करके कथा सुने। फलाहारेण वा भाव्या मेक भुक्तेन वा पुनः, फलाहार एक समय करें तो बोले एक समय दूध पी के करें, यदि दूध ठीक नहीं है तो केवल फलाहार करें। फलाहार यदि फिर भी पेट में ज़्यादा भूख लगती हो तो एक टाइम भोजन एक टाइम फलाहार, फिर भी और भूख लगती हो तो तीनों टाइम भोजन करके भी कथा सुनोगे तो भी फल प्राप्त हो तीनों टाइम। तो बोले महाराज फिर पहले एक बार में ही कह देते कि तीनों टाइम भोजन करो कथा सुनो, पहले कहा दूध पियो फिर एक टाइम फलाहार करो फिर एक टाइम भोजन एक टाइम फलाहार, एक क्रम क्यों? इसलिए कहा गया कि भगवान की कथा सुनते समय आलस ना आवे शरीर में। तो आप फलाहार करेंगे तो आलस नहीं आएगा, और यदि आपने तीनों टाइम भोजन कर लिया तो नींद तो आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नशा होता है अन्न में। और यदि किसी का अभ्यास ऐसा है कि वो तीनों टाइम भोजन करके वो बैठ के कथा सुने तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कथा विघ्न करो, यदि भगवान की कथा में सुनने में विघ्न हो ऐसा काम मत करो, इसलिए बताया है। तो स्वल्प आहार करना चाहिए, बाल भोग जिसको कहते हैं, बालक जैसा भोजन करता ना थोड़ा सा, ऐसे ही थोड़ा सा पालो और फिर कथा सुनो। और यदि आपने भोजन ज्यादा पेट भर कर लिया तो फिर नींद आएगी, और नींद आएगी तो आपकी कथा निकल जाएगी। इसलिए स्वल्पाहार, फलाहारेण वा भाव्या मेक भुक्तेन वा पुनः, एक बार ही भोजन करें 24 घंटे में, बाकी थोड़ा बहुत स्वल्पाहार कर लें। कथा श्रवण करते समय नियमों का पालन करना है। क्या? बोले खटिया पर नहीं सोना, लकड़ी के तखत पर सो जाओ या जमीन पर सो, और 7 दिन तक किसी को अपशब्द नहीं कहना, गाली नहीं देना, क्रोध नहीं करना, और 7 दिन तक क्षौर क्रिया सेविंग आदि नहीं करना, 7 दिन तक किसी का झूठा नहीं खाना। और नियम से पूजा करना, नवग्रह देवता, षोडश मातृका, असंख्याति रुद्र कलश, गौरी गणेश, पंचलोकपाल, सर्वतो भद्र,
आदि पंचांग पूजन विधिवत करें, अपने पितरों का नाम से पूजन करें, इष्ट के नाम से पूजन करें। ऐसा करने से उनके कुल के जो देवता हैं, पितृ देवता हैं, उनको परम संतुष्टि मिलती है, सुख मिलता है, और उनको वो आशीर्वाद देते हैं कि हमारे कुल में ऐसा पुत्र होगा, हमारे वंश में ऐसा बालक होगा जो इतना अच्छा धर्म कर्म कर रहा है, तो वो पितृलोक से आशीर्वाद देते हैं। ये कथा का नियम है। फिर कथांते हवनम कुर्यात्, कथा के बाद फिर हवन करें, हवन के बाद भंडारा प्रसाद कराएं, सभी संगत को भोजन प्रसाद, पहले यज्ञ भगवान को भोग लगाएं, भगवान नारायण को भोग लगा के और गौ ग्रास निकाल के फिर संत ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर सभी संगत को भोजन कराएं, ऐसा विधि विधान बताया है। और भंडार करते समय बिल्कुल बड़े विनम्र पूर्वक शांति पूर्वक कराएं, तभी उसका फल मिलेगा। आपने भंडारा तो खूब खिलाया और लड़ गए, लड़ लड़ के खिलाया, तो ऐसा नहीं होगा। बड़ी शांति पूर्वक तब उसका फल मिलता है। इसलिए ये कथा सुनने का नियम है भागवत में। आगे से सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण करने से दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्यः पाप कर्ममान अनपत्यो मोक्ष काम श्रणुयाच्च कथा मीमाम इमाम कथाम श्रणुयाच्च। भगवान की कथा श्रवण करते समय चाहे दलिद्री हो, निर्भाग्य हो, भाग्यहीन हो, यदि सच्ची श्रद्धा से जो कथा सुनते हैं तो भाग्यहीन सौभाग्यवान बन जाता है, दरिद्री संपन्न बन जाता है, और जिसको अशांति है उसको परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। बोलो वृंदावन यारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों भगवान की कथा श्रवण करते समय सावधानी पूर्वक कथा सुने, सावधान तया श्रणु, ऐसा श्रवण करने से कथा का परिपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। क्यों? बोलिए संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। तो क्या है? बोले इसमें सच्चा सार तभी है जो भगवान के नाम का कार्य करे, चाहे जन सेवा, चाहे मंदिर की सेवा, चाहे किसी अतिथि की सेवा में या समाज की सेवा में सेवा भाव करे, या तीर्थ यात्रा करे तो भी सेवा भाव करे, तभी उसका जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। ऐसा यदि नहीं किया तो बोले संसार में उसका जीवन असार है। क्यों? बोले विषय विष से भरा हुआ है। असारे संसारे विषय विष संगाकुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्धम पीबत शोक गाथा तुल सुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कोपथे कोचित कथे परीक्षे साक्षी य श्रवण गत मुक्ति कथे परीक्षे साक्षी यत्रवण गत मुक्ति कथे। बोले परीक्षित साक्षी हैं जिन भगवान की कथा सुन के, सात दिन तक कथा सुन के परीक्षित का मोक्ष हो गया। इस श्रवण गत मुक्ति युक्त कथने परीक्षित साक्षी, परीक्षित ने कथा सुनी और मोक्ष हुआ है। बोलो वृंदावन यारी लाल की जय। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया,
भगवान कैसे हैं, उनकी लीला कैसी है, उनका धाम कैसा। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिवृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कैसे हैं भगवान? बोले सत्यम परम धीमहि हैं। भगवान की शरणागति में जो आ जाते हैं तो भगवान उनको परम सत्य का मार्ग बता देते हैं, क्योंकि उनको ये यथार्थ पता लग जाता है कि वास्तविक संसार में प्रभु का नाम ही सार है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगे। यह संसार असार है। तो बोले भगवान क्या है? बोले भगवान सत्य हैं, उनकी लीला सत्य है, उनका धाम सत्य है, उनका गुणानुवाद सत्य है, और उनकी सृष्टि भी सत्य है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। वयम नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से द्वितीय श्लोक में भागवत के स्वरूप का वर्णन किया गया। तृतीय श्लोक में भागवत का स्वरूप कैसा है? भागवत के द्वितीय श्लोक में पात्रता का वर्णन किया गया कि हमें कैसा बनना चाहिए जिससे हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो। भगवान की कृपा किस किस को चाहिए? हाथ खड़ा करो। सबको चाहिए। तो इस श्लोक का अर्थ बता रहा हूं, इसको अपने जीवन में उतारना, पूरी कृपा होगी। 100% लिख के देता हूं। सबको कृपा चाहिए तो बस इस श्लोक का अर्थ समझ लेना और अपने जीवन में उतार लेना। कृपा नहीं हो तो कहना। भागवत का द्वितीय श्लोक है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। इस श्लोक का अर्थ है धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। बोले संसार में जो अपने हृदय में मत्सर का परित्याग कर देता है, मत्सर कहते हैं ईर्ष्या, जेलसी, जो ही अपने से छोटे को ऊपर उठते हुए देखा और ये ईर्ष्या जेलसी खड़ी हो जाती है, अरे कल तो इतना गरीब था, आज उसकी इतनी तरक्की हो रही, कल हमसे उधार पैसा लेता था, आज इतना बड़ा हो गया है, अच्छा उसका ऐसा कर दो इसलिए ऐसा हो जाए। इसी वृत्ति का नाम है ईर्ष्या, मत्सर। तो जब तक ये हृदय से ईर्ष्या नहीं जाएगी तब तक हृदय में पात्रता नहीं आएगी, और जब हृदय में पात्रता नहीं आएगी तो फिर कृपा नहीं होगी, क्योंकि वो ही पात्र में दूध स्वच्छ रहता है जो पात्र साफ सुथरा हो। और यदि किसी पात्र में खटाई लगी हो, गंदा हो, और उसमें आप दूध डाल दें तो दूध फट जाएगा, और फटे हुए दूध का कुछ भी नहीं बन सकता, ना चाय ना खीर ना कोई किसी प्रकार की
मिठाई, क्योंकि फट गया जो दूध वो बेकार हो गया। तो ये हमारे हृदय रूपी पात्र में कथामृत रूपी दुग्ध सुरक्षित रहे, इसलिए ये हृदय स्वच्छ होना चाहिए। तो ये हृदय स्वच्छ होगा जब आपके हृदय से ही ईर्ष्या हट जाएगी, द्वेष जलापन जिसको कहते हैं सीधी भाषा, ये ईर्ष्या किसी को नहीं छोड़ती। जो ही देखी अरे फलाने की तरक्की हो रही, वो किसी को नहीं छोड़ती। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी मनस्वी, यहां तक कि परिवार में भी ये ईर्ष्या नहीं छोड़ती हो। जब तक ये ईर्ष्या हृदय से नहीं जाएगी तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। राम कथा में वर्णन आता है, श्री हनुमान जी जब माता सीता का पता लगाने के लिए गए तो रावण ने अपनी मायावी शक्ति से राक्षसी चारों तरफ बैठा रखी थी कि लंका की ओर जो भी आकाश में उड़ने वाला जीव जंतु जो भी आएगा उसकी परछाई पकड़ के खा जाया करती थी। हनुमान जी जब लंका जलाने के लिए गए माँ सीता का पता लगाने के लिए, तो हनुमान जी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया, परछाई पकड़ ली। हनुमान जी तो अतुलित बल अपार बल है भगवान का, कनक भूधराकार शरीर। सो हनुमान जी ने आके एक मुष्ट का मारा, राक्षसी तो मर गई लेकिन उसकी परछाई रह गई। मनुष्य के समुद्र जैसे विशाल हृदय में ये जो ईर्ष्या रूपी राक्षसी है, जब तक ये नहीं जाएगी हृदय से तब तक ये हृदय निर्मल नहीं होगा। इसलिए निर्मल मन जब होगा तभी भगवान की कृपा होगी। इसलिए आज के बाद किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना। हाथ जोड़ो, सब लोग हाथ जोड़िए, सीधे बैठो, सीधे बैठो। बोले हे प्रभु, आज के बाद किसी के भी प्रति ईर्ष्या नहीं करेंगे। बस इतना जीवन में नियम कर लेना, आपको भगवान का दर्शन होगा और कृपा करके अपने चरणों में रखेंगे। जीवन में एक नियम यदि जो अपना लेता है, परमात्मा उससे कभी दूर नहीं होते। और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु यही है, ईर्ष्या। और भी ध्यान, इस ईर्ष्या ना करने से आपके जीवन में लाभ ही लाभ है। अच्छा आप सोचिए, आप दूसरे के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं और उसको पता नहीं है। आप अपने घर में बैठे, वो अपने घर में बैठा, और आप अपने घर में आग बबूला हो रहे हैं, उसने ऐसा किया मैं ऐसा कर दूंगा, तो आपका बीपी बढ़ गया, शुगर की मात्रा बढ़ रही है, माइग्रेन हो रहा है, सर्वाइकल हो रहा है, भोजन नहीं खाया जा रहा है, एसिडिटी बन रही है, केवल ईर्ष्या के कारण। और उसको कुछ भी नहीं, उसको पता ही नहीं है कि तुम उसके लिए कर ईर्ष्या कर रहे हो। एक माचिस की तीली, एक माचिस की तीली 10,000 टन लकड़ी को जलाने में समर्थ है, लेकिन शायद वो ना जला सके, लेकिन स्वयं जल जाती है, अपना नाश करा लेती। ऐसे ही कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या करने वाले को हानि ही हानि है। इसलिए भागवत के द्वितीय श्लोक में सबसे पहले यही बात बताई है, दूसरे श्लोक की बात अपने जीवन में उतार लोगे तो इस श्लोक का तो तुम्हारा जीवन सफल होगा ही, हम सब का, लेकिन परलोक भी सफल हो जाएगा, परलोक भी सफल हो जाएगा। निर्मत सराणाम सता। और फिर जिस भक्त के हृदय में ये भाव प्रकट हो जाता है कि हमें कृषि के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी, अरे कल इतना गरीब था, हमसे रोटी यहाँ से जाती थी और आज इतना संपन्न हो गया, बहुत अच्छा हुआ, अरे भैया उसने बहुत मेहनत की है, उसकी मेहनत रंगत लाई है, उसने बहुत मेहनत की, उसकी तरक्की हुई, और तरक्की हो बहुत अच्छा है, हम भी उसकी सहायता करें इससे और आगे उसकी तरक्की हो, ऐसा भाव जब हृदय में आ जाता है तो उसी क्षण परमात्मा ऐसे भाव वाले भक्त के हृदय में आके बैठ जाते। और फिर भक्त चाहे कि मैं भगवान को निकाल दूं, नहीं निकलते, और भगवान चाहे कि मैं निकल जाऊं, नहीं निकलते। ये भक्त और भगवान का
परस्पर इतना अनन्य प्रेम हो जाता है, अटूट प्रेम हो जाता है। एक गोपी बैठी जमुना जी के किनारे और बहुत दिन से 3 घंटे हो गए, नारद जी आकाश मार्ग में देख रहे हैं, एक गोपी लगता रूठ के आई होगी। तो नारद जी आए, गोपी इतने देर से बैठी है, तू घर नहीं जा रही? बोले घर तो जाऊंगी हे महाराज नारद जी, लेकिन कहाँ करूं। नारद जी ऐसे बात करते जैसे हम आप बात करते हैं, क्योंकि गोपियां उनके हृदय में ईर्ष्या नहीं थी, उनके हृदय में केवल कृष्ण प्रेम था और कृष्ण प्रेम पवित्र होता है, उसमें कोई विषय का प्रवेश नहीं। तो नारद जी से गोपी कह रही कि नारद जी महाराज मैं तो घर जा रही हूँ, लेकिन यह यमुना जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे यमुना तुम तो हमारे श्याम सुंदर की पटरानी हो, तुम इस छलिया कृष्ण को अपने पास रखो, हमारे हृदय से निकाल लो। गोपी की बात सुन के नारद जी के ज्ञान नेत्र खुल गए, धन्य है गोपी तेरी भक्ति। सारा संसार बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी दानी परमात्मा को पाने के लिए जीवन बार देते हैं, फिर भी हृदय में नहीं आ पाते, और धन्य है गोपी तेरी भक्ति कि निकालने से भी भगवान हृदय से नहीं निकल रहे। नारद जी ने प्रणाम किया, धन्य है गोपी तेरी भक्ति। भक्ति के आचार्य हैं श्री नारद जी, तो परमात्मा के चरणों में सच्चा प्रेम हो तो परमात्मा फिर उस भक्त के हृदय में आ जाते हैं, और जब हृदय में आ जाते हैं तो ना वहां कोई रोग है, ना दोष है, ना भय है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, केवल आनंद ही आनंद है, कृष्ण ही कृष्ण है। इसलिए गोपियां कहती हैं कृष्ण आपके अलावा संसार में अब हे कृष्ण तवास्मी, हे प्रभु तुम हमारे हो। इसलिए गोपियों ने भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम किया, तो सच्चा प्रेम तभी आया, उनका मन निर्मल हुआ कि उनके हृदय में ईर्ष्या नहीं थी। निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृतभिः शुश्रू सुभिस्तच्छणात्। और जिस भक्त के हृदय में जब ये भाव आ जाता है कि चलो अमुक जगह कथा हो रही है, सेक्टर 11 लाल बाबा दयाल मंदिर में कथा हो रही, सुनने जाना है, उसी क्षण परमात्मा उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं और फिर वो उसके हृदय को निर्मल कर देते हैं। निर्मत सराणाम सता शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, तत्क्षणात् माने तत्क्षण परमात्मा सद्यो हृदि अवरुद्यते, सद्या माने निरंतर हमेशा उसके हृदय में परमात्मा बैठे रहते हैं। तभी तो गोपी कहती सखी मैं तो वृंदावन जाऊंगी फिर लौट वापस ना आऊंगी, कृष्ण के चरणों के अलावा और हमें संसार अच्छा लगता नहीं। वृंदावन सो बन नहीं नंदगाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम, बंसी बट सो बट कृष्ण नाम सोना, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ये ब्रज के रसिक संत हुए रस का पागल बाबा, उनके संतों ने और भक्तों ने गाया, बड़ा सुंदर।
वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी बजे मुरली जमुना पीर सखी वृंदावन जाऊंगी बजे मुरली जमुना पीर सखी वृंदावन वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी तेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी तेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी जाओगी
इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए हैं, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए हैं, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। वृंदावन जाऊंगी मेरे होके विरह सके, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वापस नहीं आऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी लौट वापस नहीं आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सके, वृंदावन जाऊंगी। कृष्ण कन्हैया लाल की बस निर्मत सराणाम सताम। भागवत के द्वितीय श्लोक में मत्सता का परित्याग करना है। मत्सता माने ईर्ष्या, जेलसी, बस इस जेलसी को दूर करो, यही भागवत में बताया। और भागवत के तृतीय श्लोक में भागवत के स्वरूप का वर्णन किया। भागवत का स्वरूप क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नितराम निगम कल्प तरोर गलितम फलम, गलितम फलम पलितम फलम पका हुआ फल। नितराम गमयति बोधयति इति निगमो वेदः, वेद रूपी कल्प वृक्ष में पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत। तो वो कैसा है? बोले बिल्कुल पका हुआ है, मधुर मीठा है। बोले ये कैसे पता लगा कि मीठा है? तो बोले फल का उत्तम पारखी होता है तोता,
जिस आम के फल में तोता अपना चोंच लगा देता है तो बिल्कुल आंख बंद करके समझो वो बिल्कुल मीठा है, क्योंकि फल की पहचान तोते को होती है। तो बोले ये भागवत रूपी फल सुखदेव रूपी तोते के द्वारा ये जो है प्राप्त हुई है, रसास्वादन किया गया। तो मान लिया कि ये बिल्कुल मीठा है, लेकिन कब तक इसको ग्रहण करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, बोले ऐसे भागवतामृत फल को पीते रहो। कब तक पिए? बोले जब तक जिए तब तक पिए। क्या पिए? बोले भगवत कथा रसामृत। तो बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम मुहुरु हो रसिका भूवि भावुका। मुह कहते हैं शब्द को बार बार, मुह शब्द का मतलब है इनको बार बार पीते रहो। तो बोले बार बार कथा सुनने से क्या होगा? बोले आपका मन आपका चित्त श्री कृष्ण में लग जाएगा, भगवान में लग जाएगा। ऐसी आपके हृदय में बात बैठ जाएगी कि जैसे वो ठगियों के दिमाग में बैठ गई और ठगिया भगवान में लग गए, ऐसे ही आप लोग तो ठगिया नहीं हो लेकिन आपके मन में भी भगवान की बात बैठ जाएगी। इसलिए बार बार शब्द कहा है निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयत्वम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भूवि भावुका। मुहु का मतलब है बार बार, वे कथामृत बार बार पान करो, बार बार श्रवण करो। इसलिए ये कथामृत पान करने से हमारे तन में मन में चित्त में प्रवेश कर जाएगी, फिर आपको निरंतर प्रभु का स्मरण ही होता रहेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार आगे निमिष अरण्य में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न कहे। 6 प्रश्नों में किम श्रेयः शास्त्र सारा कः स्वावतारा प्रयोजनम किम कर्म कोवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। भगवान ने मानव के जीवन का श्रेय का साधन क्या है, मनुष्य के जीवन का श्रेय का साधन क्या है, किम श्रेयः। दूसरा है शास्त्र सारा का, संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा है स्वावतारः प्रयोजनम्, भगवान ने माता देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया। स्वावतारः और अवतार लिया। चौथा बोले अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं की, चौथा प्रश्न। और पांचवा बोले भगवान पृथ्वी पर 125 वर्ष रहे, 125 वर्ष। तो धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्नों में इत्तेते सूत मुद्रिश्य षड प्रश्ना मुनि भी कृता। छेड़ो मत, ठीक कर दो। ये 6 प्रश्न श्री सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने किए। 6 प्रश्नों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत को पूर्ण कर दिया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों भगवान की शरणागति से ही सारा जीवन का सार प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को भगवान की वो दिव्य लीलामय अवतारों का वर्णन कराया कि हे ऋषियों दिन रात में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में एक एक अवतार भगवान का एक एक घंटे तक रक्षा करेगा। तो जो नित्य लीलामय 24 अवतारों का नाम लेता है, सुबह स्मरण करता है, तो उसका पूरा दिन रात 24 घंटे बिल्कुल सरल सफल और आनंदमय होते हैं। तो भगवान का नाम ज्यादा लेना चाहिए। तो बोले दिन भर नहीं ले सकते तो सुबह सुबह ले लो,
दो घंटे बैठ करके, चार बजे उठ करके, लेकिन रात में आप 10 बजे सो जाएं तो 4 बजे नींद खुल जाएगी। यदि 1 बजे सोओगे तो 7-8 बजे नींद खुलेगी, तो सारी प्रक्रिया पीछे हो जाएगी। इसलिए जिसने समय की वैल्यू की तो उसको समय का समय उसको भी महत्वपूर्ण बना देता है। जो समय को महत्वपूर्ण बनाता है, जो समय को महत्व देता है, समय उसको भी महत्व प्रदान कराता है। तो भगवान के लीला में 24 अवतारों का जो नाम लेता है उनके दिन रात सफल हो जाते हैं। सबसे पहले भगवान का सनकादि अवतार है। सबसे पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं ये, सनकादि अवतार हुआ है। सतयुग में ब्रह्मा जी ने अपने मन से प्रकट किए हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ब्रह्मा जी के बेटा चार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान के मानस पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में ये श्रेष्ठ अवतार बताया गया है, और श्रेष्ठ अवतार में सबसे पहले सनकादि अवतार हुआ। सनकादि अवतार, फिर वराह अवतार, तीसरा नारद अवतार, चौथा कपिल देव जी का अवतार, पांचवा ऋषभ देव जी का अवतार, छठवां दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां यज्ञ अवतार, आठवां ऋषभ अवतार, नौवां पृथु अवतार, दसवां मत्स्य अवतार, ग्यारहवां कूर्म अवतार, बारहवां धन्वंतरी अवतार, तेरहवां मोहिनी अवतार, चौदहवां नरसिंह अवतार, पांचवां बावन भगवान का अवतार, पंद्रहवां सोलहवां परशुराम जी का अवतार, सत्रहवां वेदव्यास जी का अवतार, अठारहवां श्री परशुराम जी का अवतार, और 19वां राम अवतार, 20वां कृष्ण अवतार, 21वां हरि अवतार, और 22वां हंसा अवतार, 23वां बौद्ध अवतार, और 24वां कल्कि अवतार, जो अभी हुआ नहीं, वो संबलपुर ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण होंगे और भगवान उनके यहाँ जन्म लेंगे, नीले घोड़े पर सवार होंगे, और जो प्रजा के रक्षक बन के भक्षण कर रहे हैं उन सब का संहार करेंगे। केवल भगवान की तलवार चलेगी, गोला हथगोला तोप बारूद सब फेल हो जाएंगे। तो ये भगवान के लीला में 24 अवतारों का जो नाम लेता है, उन अवतारों को स्मरण करने से पूरे दिन रात सफल हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधा। इसलिए भगवान के लीला में 24 अवतारों का नाम लेने से दिन रात सफल हो जाते हैं। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, नारद जी के पूर्व जन्म का वृतांत हुआ, और द्रौपदी के सुप्त पुत्रों का वध हुआ, अश्वत्थामा का निग्रह हुआ, और ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा हुई। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित हैं, और परीक्षित ने भगवान श्री हरि के माता के गर्भ में ही दर्शन कर लिए। माता के गर्भ में ही भगवान नारायण ने दर्शन दे दिया, और भगवान नारायण ने दर्शन दे करके और परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। पहले इनका नाम था विष्णुरात, और जब जन्म हो गया परीक्षित का तो इनका नाम पड़ गया परीक्षित, क्योंकि वो सबसे पूछते थे, भैया तुम वही हो जो हमने माँ के गर्भ में दर्शन किया था, आप जैसा ही थे वो, लेकिन उनकी चार भुजाएं थी, आपकी तो दो ही भुजाएं हैं। अब वो चार भुजाधारी भगवान नारायण ने दर्शन दिया था परीक्षित को, तो वो सबकी परीक्षा, सबकी परीक्षा लेते हैं, उनका नाम पड़ गया परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। इस प्रकार से राजा परीक्षित का जन्म हुआ, उनकी जन्म कुंडली का फल हुआ,
धूम्र केतु उदय हुआ, 13 दिन का पक्ष होने लगा। 13 दिन के पक्ष में युधिष्ठिर जी को परम अशांति हुई और उनका हृदय व्यथित होने लगा। अर्जुन को द्वारिका भेजा कि जाओ, श्री कृष्ण ठीक तो हैं, देखा तो भगवान धराधाम को चले गए। अर्जुन लौट के आए, अर्जुन को 16,108 रानियों सहित अर्जुन आ रहे थे। रास्ते में कोल भीलों ने उनको लूट लिया और लूटने के बाद अर्जुन को भी परास्त कर दिया। अर्जुन को लज्जित होना पड़ा, दुखी होना पड़ा। वो ही अर्जुन जो महाभारत में बड़े बड़े वीर योद्धा उनसे कांपते थे, आज वो ही अर्जुन हैं और वो ही गांडीव धनुर्विद्या उनके पास है। परंतु कृष्ण अर्जुन के पास नहीं है। जब तक अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहे तब तक अर्जुन का कोई बाल बांका नहीं कर सका। आज अर्जुन भी वही हैं, धनुष विद्या भी उनके पास वही है, शक्तियां वही हैं, लेकिन कृष्ण नहीं है। इसी प्रकार से मनुष्य के पास में धन हो, साधन हो, परिवार हो, सब कुछ है और भगवान की भक्ति नहीं है तो उसको भी लज्जित होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। अर्जुन के पास में आज कृष्ण नहीं है, इसलिए आज सब कुछ लुट गया। समय समय की बात है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, बोई अर्जुन बोई बाण, भीलन लूटी गोपिका, बोई अर्जुन बोई बाण। सबका समय बदलता है, सब दिन जाए ना एक समान, एक समय जैसा नहीं होता है, इसलिए भगवान की शरणागति ही श्रेष्ठ है। ज्यादा संपन्नता हो तो सरलता से उसको निभाना चाहिए और यदि विपन्नता हो तो गंभीरता से उसको संभालना चाहिए। इसलिए सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो। इस प्रकार से एक दिन की ऐसी घटना घटी, राजा परीक्षित का जन्म हो गया। पांचों पांडवों ने द्रौपदी के सहित संकल्प लिया कि इस पृथ्वी पर जब श्री द्वारिकाधीश कृष्ण नहीं है तो हमारा रहना व्यर्थ है, अब हम हिमालय चलते हैं। उस समय पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया और राजा उस समय परीक्षित की उम्र केवल 16 वर्ष की थी, 16 वर्ष के थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को राजा बना के अल्प समय में राज धर्म का ज्ञान दे करके भगवान के परम भक्त पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय की ओर चल दिए। स्वर्ग में राजा युधिष्ठिर जी के प्रभाव से पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग में पहुंचे। सबसे पहले केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव जी की, केदारनाथ जी की स्थापना की। आज भी वहां पांचों पांडवों के मंदिर बना हुआ है, उनके हाथ के स्थापित। फिर बद्रीनाथ में भगवान बद्री नारायण का अभिषेक किया, पूजन किया। फिर वहां से माणा गांव गए, आप लोग गए होंगे तो आपको दिख रहा होगा माणा गांव, और वहां व्यास गुफा भी दिख रही होगी। विशाल व्यास गुफा के अंदर गणेश जी ने भागवत जी की रचना की। फिर आप नीचे उतरिए व्यास गुफा से तो भीम पुल को पार कीजिए,
विशाल भीम पुल की जो भीम जी ने शिला रखी, भीम पुल से पार करो तो आगे द्रौपदी जी का मंदिर है, फिर आगे स्वर्ग की सीढ़ियां दिखाई देते हैं। अभी पिछले 3-4 साल पहले कोरोना से पहले कथा हुई थी वहां, तो वहां पर जो है 7-8 दिन हम सब संतों के साथ में रहे। गाजियाबाद से हमारे जो है गुप्ता जी थे, तो उन्होंने कथा कराई थी, अनिल जी गुप्ता, सतीश गुप्ता, तो वहां सब लोग गए थे, तो स्वर्ग की सीढ़ियों तक पहुंचे। तो वहां 2 महीने पहले एक नए संत थे, नव युवक संत, वो वहां तप कर रहे थे। वहां छोटी छोटी कुटिया बनी हुई है, आप वहां रुकें तो जिन कुटियों में संत बैठ के भजन करते हैं, केवल 4x4 की कुटिया है और वहां छोटा सा गेट है, अंदर बैठ के वो भजन करते हैं। वहां कुछ भी नहीं रखा है, केवल एक जोड़ी कपड़े और थोड़े से चने रखे होते हैं उनके लिए, तो वो भजन करते हैं। तो एक संत को ऐसी प्रेरणा हुई, वो स्वर्ग की सीढ़ियों से चले गए। तो चलते गए और वो सतोपंत से आगे, द्रौपदी जी का मंदिर है उससे आगे चलते गए, और संतों ने रोका कि महात्मा वापस आ जाओ। बोले बस थोड़ा ही दिखाई दिए वो, इसके बाद फिर पता नहीं लगा वो कहाँ चले गए, वो शरीर सशरीर चले गए। ऐसी अद्भुत जगह है। उसी रास्ते से पांचों पांडव स्वर्ग की सीढ़ी जिसको कहते हैं, उसी रास्ते से गए थे। सरस्वती नदी का प्रवाह बह रहा है, बड़ा दिव्य है, बिल्कुल सरस्वती नदी जी, सरस्वती जी का जैसा स्वरूप है, शुक्ल वर्ण धवल, स्वच्छ सुंदर श्वेत वर्ण है, ऐसे ही वो जल, उसको दूध धारा भी कहते हैं, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। तो पांचों पांडवों ने स्वर्ग में प्रवेश किया। इधर राजा परीक्षित ने रथ पर सवार होके अपनी प्रजा का निरीक्षण किया, और प्रजा का निरीक्षण करते करते देखा बुजुर्ग प्रजा आते हैं वहां से, तो रथ से उतर के उन बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। देखो ये संस्कार होता है, राजा हैं परीक्षित और बड़े बुजुर्ग, उनके पिता प्रपिता की उम्र के आ रहे थे, सो रथ से उतरे और प्रजा को प्रणाम किया है, ये राजा का कर्तव्य होता है, प्रजा को प्रणाम करे, क्योंकि वो प्रजा की सेवा के लिए है, प्रजा ने सेवा के लिए चुना है। जब राजा ने प्रणाम किया परीक्षित ने, तो बुजुर्गों ने उठा के गले से लगाया और कहा धन्य है राजन, तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसी भक्ति की, ऐसा प्रभाव तुम्हारे पूर्वजों का है कि जिनकी भक्ति के प्रभाव से स्वयं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण ने रथ चलाया, लाक्षा भवन से अग्नि से रक्षा करी, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, धन्य है राजन ऐसे पवित्र उच्च कुल में आपका जन्म हुआ, आप भी परम तपस्वी हो, आपकी जय हो। राजा परीक्षित अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए कहते हैं ऐसा करके जाओ कि आने वाली पीढ़ी सुखी रहे। बताते तीसरी चौथी पीढ़ी के बच्चे कहते हमारे बाबा ऐसे थे, इतनी भक्ति करते थे कि उनको भगवान का दर्शन हो गया, ऐसे इतिहास में बताते कि हमारे ऐसे थे। तो ऐसा करके जाओ कि आने वाली पीढ़ी सुखी रहे और वंश परंपरा चलती रहे, इसलिए किसी का अंश ना लें, नहीं तो वंश पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए राजा परीक्षित को बहुत आनंद प्राप्त होता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कृपा की है। राजा परीक्षित वहां से चले तो आगे देखा एक राजभेषधारी पुरुष गाय को पीट रहा है और बैल के पैरों को काट रहा है, बैल के पैरों को काट रहा है, वृषभ के पैरों को। राजा परीक्षित ने ललकारा, कौन हो, निकल जाओ मेरे राज्य से, और धनुष बाण लेके उसके ऊपर अनुसंधान किया तो वो चरणों में गिर पड़ा, त्राहिमाम मेरी रक्षा करो, कौन हो तुम। बोले महाराज मैं कलयुग हूं,
निकल जाओ मेरे राज्य से। बोले मेरा ही राज्य है, अब कहां जाऊं। तो राजा परीक्षित ने चार स्थान दिए। थोड़ा सा अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रिया सूनः यत्र धर्मश्चतुर्विधः यत्र धर्मश्चतुर्विधः। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। चार स्थान कलयुग को दिए। द्यूतम जुआ, जुआ खिलता हो वहां चले जाओ। पानम मदिरा पान। स्त्रिया सूना वेश्यालय चोरी। ये चार स्थान कलयुग को दिए, जाओ मां चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज ये चार स्थान तो कम होंगे, एक और दीजिए। पुनश्च याच महानाया जात रूप मदात प्रभो ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम रजो वैरम च पंचमम। पांचवा स्थान कलयुग को राजा परीक्षित ने अधर्म के स्वर्ण में निवास है, अधर्म के सोने में निवास। अधर्म का सोना कैसा, बंटवारे में ज्यादा ले लिया, छल से ले लिया, बल से ले लिया, हंसा फुसला के ले लिया, झूठ बोल के ले लिया। तो ये है थोड़ा सा हल्का ही को बड़ा। छल से, बल से, कपट से, बंटवारे में यदि ज्यादा ले लिया तो फिर वो अधर्म का सोना कहलाता है। ऐसे चार भाई थे, चारों में प्रेम था। पिताजी चार ईंटें सोने की बना के गए, बोले हमारे बाद बांट लेना बराबर। पिता माता चल बसे, फिर बंटवारा हुआ। बंटवारे में चारों हिस्सा रख दिए सोने की ईंटों के। और भी प्रॉपर्टी थी, बोले भैया ये पूरी प्रॉपर्टी एक बटा चार हो चुकी और चारों हिस्सों में से जिसको जो चाहिए सो ले लो। छोटा वाला बोला मैं तो ज्यादा लूंगा। बड़ा और मंझला बोला भाई तू ज्यादा क्यों लेगा। संझला भी बोला तू भी ज्यादा क्यों लेगा। भाई चार में तो ऐसा ही होता है ना, चार भाई हैं तो कैसा बोला जाता है, ऐसे ही बोला जाता है ना। बड़ा मंझला संझला फिर चौथा गंजला है, हाँ फिर पांचवा हल्का। तो तीन भाई बोले भाई तू ज्यादा क्यों लेगा, एक बटा चार है कोई सा भी ले ले। बोले नहीं मैं तो सोना ज्यादा लूंगा। तो तीनों भाई बोले वो बड़े वो नहीं देंगे, नहीं दोगे तो बोले मैं मरता हूं। बोले मर जा। सो रस्सी लाया और पंखे पर लटका के और मरने लगा, गर्दन फंसा ली उसने। तो बड़े भाई को दया आई, बोले भाई ये मर जाएगा। तो तीनों भाइयों ने कहा अच्छा चल मर मत ले ले। तो 100-100 ग्राम सोना तीनों भाइयों ने दिया, उसके पास 1 किलो 300 ग्राम हो गया। तो ऐसे सोने में भी कलयुग का निवास है और कलयुग कभी भी उपराण भी ले सकता है, बुद्धि को भ्रष्ट भी कर सकता है। इसलिए दूसरे का अन्न दूसरे का धन जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए, ऐसा भागवत में लिखा है। आपके भाग्य में जो है उसको कोई छीन नहीं सकता, ये परफेक्ट ध्यान रखना। और आपके भाग्य में यदि नहीं है, आपने छल से बल से कपट से हंसा फुसला के ले भी लिया तो भाग में नहीं है तो वो तो जाएगा, लेकिन तुम्हारे भाग का भी साथ में ले जाएगा। इसलिए भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। इसलिए भगवान की शरणागति
सबसे बड़ी शरणागति है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भगवान का आश्रय ही श्रेष्ठ है। तो राजा परीक्षित ने उस कलयुग को छोड़ दिया, जाओ, कलयुग प्रतीक्षा कर रहा था। अब राजा परीक्षित ने गौ और बैल को प्रणाम किया, पूछा कि हे गौ माता आप कौन हैं? बोले हे राजन हम पृथ्वी रूपी गौ हैं, जब से कलयुग आया है इसके अत्याचारों से मैं गाय का रूप धारण करके बची बची घूम रही हूं। हे माँ अब आपकी सेवा में मैं हूं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। वृषभ के चरणों में प्रणाम किया, वृषभ के चरणों में प्रणाम किया कि हे महाराज आप कौन हैं? बोले हे राजन मैं धर्म रूपी वृषभ हूं। जब से कलयुग आया है तब से इस कलयुग ने हमारे तीन पैर काट दिए। धर्म के चार पैर हैं, ध्यान से सुने, सत्य दान दया और तप। कलयुग में सत्य नहीं रहा, कलयुग में दया नहीं रही, कलयुग में तप नहीं रहा, केवल दान पर ही धर्म खड़ा हुआ है। राजा परीक्षित ने धर्म के चरणों में प्रणाम किया वृषभ के और अपने राज्य में लेके ले जा गए, ले जा करके उनका उपचार किया और उनकी सेवा की और शपथ दी, वचन दिया कि आपके चरणों की सेवा में करूंगा, अब आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। इस प्रकार राजा अपने राज्य में रहने लगे। रहते रहते राजा परीक्षित ने एक दिन अपने खजाने में देखा कि हमारे पूर्वजों ने क्या रखा है, देखें तो बड़े बड़े हजारों मुकुट रखे हुए थे। उन मुकुटों में राजा परीक्षित ने एक श्रेष्ठ बहुत बड़ा मुकुट देखा, वो मुकुट था जरासंध का। भीम ने जरासंध का वध किया और वो मुकुट ले आए। यद्यपि नियम यह था कि जरासंध के पुत्र का नाम था सहदेव और भीम के छोटे भाई का नाम भी सहदेव था, तो वो सहदेव को ही मुकुट पहनाना था, लेकिन वो ले आए अपने खजाने में रख दिया। वो ही मुकुट राजा परीक्षित ने पहन लिया, वो अधर्म का मुकुट था। राजा परीक्षित को उसी समय कलयुग बुद्धि में सवार हो गया। राजा परीक्षित की बुद्धि पर कलयुग आ गया। जो राजा कभी जीव हिंसा नहीं करते थे आज वो राजा शिकार खेलने चल दिए, रथ पर आरूढ़ हो गए, धनुष बाण ले लिया। ये है बुद्धि खराब कर देता है जब कलयुग, इसलिए ऐसा कार्य मत करो जिससे बुद्धि खराब हो। अपने से बड़ों का सम्मान, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन बहुत जरूरी है। अपना नियम कभी मत छोड़ो, यदि आपने नियम छोड़ दिया तो संयम हट जाएगा और यदि संयम चला गया तो उसका सारा जीवन बेकार हो गया। जैसे कोई दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते बहुत फुल स्पीड में जा रहा है, फुल स्पीड, आगे देखा उसको कि कुआं है और जैसे देखा अरे कुआं है तो एकदम से वो ब्रेक लगाता है, ओ एकदम रुक गया, कुएं में गिरने से बच गया। ऐसे ही सध गया वो, अपने आप को उसने साध लिया, बच गया, पीछे हट गया। ऐसे ही ये नियम जो गुरु मंत्र का जाप, भगवान की पूजा, व्रत, जिनका जो नियम है, तो जो ये नियम करते हैं इसको कहते साधना, और साधना का मतलब है सधे रहना। आपका नियम है कि सुबह उठना है और गुरु मंत्र की 100 माला जपनी है, तो 100 माला जपने के लिए आपको उस टाइम पे उठना पड़ेगा और उस पूरे समय का मैनेज करना पड़ेगा। तो आप अपने नियम पर रहोगे तो उनमें बीच बीच में बाधाएं आएंगी, कई तरह आपको जाना पड़ेगा, झूठ सच में, कहीं इधर उधर। तो पहले आप जब नियम में रहोगे तो ये सब बाधाएं हट जाएंगी, नियम आपका पक्का रहेगा, तो आप सधे रहोगे। जैसे कुएं में से गिरने वाला वो बच गया, सध गया। तो साधना का मतलब अपने आप को साधना, सधे रहना।
ये भगवान का भजन ही बचाता है, सत्कर्म ही बचाता है व्यक्ति को भयंकर कुएं में से गिरने से। इसलिए प्रभु की शरणागति ही श्रेष्ठ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। राजा परीक्षित ने मुकुट पहन लिया और राजा परीक्षित मुकुट पहन करके चले गए। एकदा धनुर्दम्य विचरन मृगयाम बने मृगाननुगता श्रांत क्षुधित स्त्रसितो भृशम क्षुधित स्त्रसितो भृशम। एकदा धनुर्दम्य, एकदा शब्द आया है। एकदा शब्द जो है जहां विलक्षण घटना घटी वहां एकदा शब्द आता है। विचरण मृगयाम बने राजा परीक्षित, जो कभी जीव हिंसा नहीं करते थे, आज वो शिकार खेलने चल दिए, आखेट करने। हजारों हिंसक जानवरों का वध कर दिया। जब उनको प्यास और भूख सताई तो समीक ऋषि के आश्रम पर गए। वहां समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे, तो ध्यान में बैठे हुए समीक ऋषि को मरा हुआ सर्प डाल दिया उनके गले में। जैसे ही सर्प डाला तो सर्प डालते समय उनको पता नहीं लगा और वो सर्प डाल के चले गए। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता लगा कि किसी ने गले में सर्प डाल दिया है। जब सर्प डाल दिया तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। कौश की नदी पर बैठ के वो तप कर रहे थे। उन्होंने कौश की नदी का जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया। बोले अभी ब्रह्म तेज लुप्त नहीं हुआ है, जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है। इति लंगित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनी दंक्षतीस्म कुलांगारम नोदितो मे ततद्रुहम। जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है आज से सातवें दिन उसको तक्षक बसेगा, श्राप दे दिया। भयंकर शब्द हुआ, दसों दिशाएं कंपायमान होने लगी और रोते हुए पिताजी की गोदी में अपना सिर रख दिया। प्रार्थना की, पिताजी की समाधि खुली। समीक ऋषि की देखा, अरे पुत्र क्यों रो रहे हो? वत्स कस्माद्धि रोदसी एन वाते अब कृतम इत्युक्त्वासा निवेदयत। क्यों रो रहे हो पिताजी? आपके गले में किसी ने सर्प डाल दिया, श्राप दिया। ध्यान धारण करके उनके ध्यान में आया कि अरे धर्मात्मा राजा परीक्षित से अपराध हो गया, जाओ राजा परीक्षित को संकेत करो। गौरमुख नाम के शिष्य राजा परीक्षित को समझाने के लिए गए, बताने के लिए गए कि हे राजन, आज से सातवें दिन आपको तक्षक डसेगा और आप अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढ लीजिए। राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु का उतना भय नहीं लगा जितना उनको कष्ट, उनके द्वारा जो अपमान हो गया ऋषि का, उस अपमान का लगा कि मैंने इतने पवित्र उच्च कुल में, मेरे कुल में स्वयं त्रिलोकाधिपति प्रकट होकर रथ चलाया, पूरे कुल की रक्षा की, ऐसे पवित्र कुल में मैंने एक बहुत बड़ा कलंक लगा दिया, एक ऋषि का अपमान कर दिया। राजा परीक्षित बहुत रोए, उनका हृदय कंपित हो गया। उन्होंने संकल्प लिया कि जिस अन्न जल के कारण सातवें दिन मुझे तक्षक दसेगा, ऐसा अन्न जल ग्रहण करके मैं क्या करूंगा। किसी ने यज्ञ बताया, किसी ने बहुत से अनुष्ठान बताए, परंतु राजा परीक्षित ने एक ही संकल्प लिया कि आज से मैं अन्न जल का परित्याग ही करता हूं।
शुक्रताल में बट वृक्ष के नीचे राजा परीक्षित वहां पहुंचे, गंगा जी में जल लेकर के और प्रायश्चित किया और संकल्प लिया, आज से मैं अन्न जल का परित्याग करता हूं। हजारों ऋषि मुनि संत विद्वान तत्वज्ञानी वैष्णव भक्त सब राजा परीक्षित के पास बैठे हैं और राजा परीक्षित दिव्य सिद्धासन में बैठ करके प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। हजारों ऋषि मुनियों ने भगवान का ध्यान किया, आवाहन किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, धर्मात्मा राजा परीक्षित की मुक्ति हो। देखो दवा से शायद ना बचे लेकिन दुआ से बच जाता है, इसलिए ऐसा काम करो कि दुआ मिले, बद्दुआ ना मिले। राजा परीक्षित को सभी संतों ने, ऋषि मुनियों ने, प्रजा ने दुआ करी प्रभु से कि हे प्रभु, राजा परीक्षित का कल्याण हो, इनका परमात्मा से मिलन हो। तो राजा परीक्षित के लिए ऋषि मुनियों ने, वो तपस्वी ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की और वो ऐसी प्रार्थना की कि स्वयं ऋषि मुनियों की प्रार्थना से स्वयं भगवान ही सुखदेव बनकर के प्रकट हो गए, राजा परीक्षित को दर्शन दे दिया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे। सुखदेव जी जैसे ही प्रकट हुए, राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया, वंदन किया और चरणामृत लेकर के एक ही बात कही। श्री सुखदेव जी ने पूछा कि कहो राजन, तुम क्या चाहते हो? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा हे गुरुवर, आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि 7 दिन के अंदर मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बस एक ही प्रश्न में संपूर्ण श्रीमद् भागवत को श्रवण करा दिया। राजा परीक्षित ने केवल एक ही प्रश्न पूछा है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा। हे नाथ, हे प्रभो, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 7 दिन के अंदर मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बस एक ही प्रश्न में संपूर्ण श्रीमद् भागवत को श्रवण करा दिया है। और वैसे भी मनुष्य का जीवन केवल 7 दिन का ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से जय श्री राम, जय करा वीर बजरंगे। सावन का महीना चल रहा है इसलिए महादेव जी का स्मरण करते रहो, क्योंकि परमात्मा ने ये श्वासों के मोल दिए हैं और परमात्मा की दी हुई श्वासें हम आप सब ले रहे हैं। कैसे चुकाऊं इन श्वासों के मोल रे, जन्म देने वाले तू इतना तो बोल रे।
बड़ा सुंदर भजन ये ब्रज के संत गाते हैं। परमात्मा ने हमें 21,600 श्वास दी हैं, तो हम भगवान के लिए कितनी श्वास दे रहे हैं ये ध्यान। 21,600 श्वास परमात्मा ने हमको 24 घंटे में दी, तो 21,000 में से यदि परमात्मा को 11,000 भी दे दोगे तो बहुत है। अरे बोले 11 तो बहुत हो जाएंगी, तो बोले 1,000 दे दो तो भी कल्याण हो जाएगा। तो 1,000 भी श्वास नहीं देते भगवान के लिए। एक घड़ी आदि में पुण्याद तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। कैसे चुकाऊं इन श्वासों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले के मोल रे, कैसे चुकाऊं श्वासों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो मोल। Yeah.
मन की भी खोल रहे, जन्म देने वाले तो इतना भी दो। राजा परीक्षित ने गंगा जी के तट पर बैठकर के संकल्प लिया कि आज से अन्न जल मैं ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न जल का ही त्याग कर दिया, अनशन कर दिया और 7 दिन कथा श्रवण की, 7 रात कथा सुनी। सातवें दिन दिव्य विमान आया,
और राजा परीक्षित विमान में विराजमान होके भगवान के धाम को चले गए, प्रभु की प्राप्ति हो गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। इस प्रकार से भगवान राजा परीक्षित को प्रभु प्राप्ति हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित का मन प्रभु में लगे तो भगवान के विराट रूप का वर्णन कराया, भगवान कैसे हैं, उनकी लीला कैसी है और वो विराट स्वरूप कैसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परमात्मा की सर्व सत्ता, तीनों लोकों में परमात्मा की सत्ता है, जल में, थल में और नभ में। परमात्मा की सत्ता में उनकी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई खिले न कोई। भगवान की सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। राजा परीक्षित बैठे हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन पाताल में तस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम् महातलम् विश्वस्रजोऽथ गुल्फौ तलातलम् वै पुरुषस्य जङ्घे तलातलम् वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानुनि सुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो ग्रन्थि नाभि हे राजन पाताल में तस्य हि पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम। सात लोक ऊपर हैं और सात नीचे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान का श्री अंग पूरा ब्रह्मांड है। पृथ्वी से भगवान का जो नाभि स्थल है, कटिस्थल से सात लोक नीचे भगवान के, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातल, ये सात लोक नीचे। पाताल में भगवान के चरण पाद हैं, पाद पद्म। तो ये सात लोक नीचे भगवान के, कटिस्थल से नीचे का भाग जो है भगवान का पाताल के सात लोक है, और कटिस्थल से भगवान का सात लोक ऊपर है वो भगवान का स्वरूप है। भूरलोक, भरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, सत्यलोक। तो नाभि से लेके और ब्रह्मांड तक सत्यलोक माने ब्रह्मलोक, ये सात लोक ऊपर है वो भगवान के, नाभि से लेके और मुखमंडल तक, ब्रह्मांड तक ये सात लोक हैं। और हे परीक्षित, सब जगह परमात्मा ही है और उन परमात्मा ने ऐसी सृष्टि रची है, जिन परमात्मा की सृष्टि में अलौकिक सृष्टि है, ऐसा कोई शिल्पी कलाकार, ऐसा कोई आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट
उनके जैसी आर्ट, उनके जैसी कला नहीं कर सकता। उनसे बड़ा विद्वान, उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा कलाकार कोई नहीं हो सकता। ऐसी परमात्मा की व्याकरण है। श्री सुखदेव जी से कहा है, हे राजन, इसलिए उन परमात्मा की सृष्टि को देखो, ऐसी अद्भुत भगवान की व्याकरण है। वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रम् मनुर्मनीषा मनुजो निवास गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरा स्वरस्मृति रसुरानी कवीर्य स्वरस्मृति रसुरानी। वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रम्। भगवान की व्याकरण बड़ी विचित्र है। कैसे? बोले मनुर्मनीषा मनुजो निवासा। मनुर माने मन और मनीषा माने मन की अधिष्ठात, मन की देवी बुद्धि मनीषा। तो यहां हम आप सब बैठे हैं, हम आप सब लोग बैठे हैं, परंतु यहां किसी की अकल और शकल एक जैसी नहीं है। इतने सब बैठे हैं, यहां की तो बात छोड़ो, संसार में किसी की एक जैसी अकल और शकल नहीं है। पूरे संसार कितना बड़ा परमात्मा ने अपना कारीगरी की है। मनुर्मनीषा मनुजो निवासा, एक जैसा ना मन है किसी का और ना ही अकल ना सकल। और क्या? गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरा। कैसे कैसे भगवान ने लोक परलोक बनाए हैं। देखो, स्वर्ग बनाया भगवान ने, इंद्रलोक बनाया, कैसी कैसी सुंदर अप्सराएं बनाई, सुंदर देवता बनाए, गंधर्व बनाए, चित्ररथ आदि गंधर्व बनाए, और इंद्र को बनाया। ऐसा भगवान का सुंदर दिव्य संसार है। गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरा स्वरस्मृति रसुरानी कबीरिया। और क्या बनाया? कैसा सुंदर तोता बनाया जिसमें हरा रंग भर दिया, और मयूर कितना सुंदर है जिसके पंख बिल्कुल ऐसे, जब नाचता है तो ऐसे पंखों में आंख दिखती हैं। ये रंग किसने भरा? फलों को देखिए आप, आम का पेड़ लगाते हैं और आम मिट्टी जमीन में लगता है, ऊपर उसमें आम का फल इतना मीठा, वो रस किसने भरा? कैसा मधुर मीठा रस है। गन्ने को देखिए, गन्ना लगाते हैं और गन्ने का भी रस कैसा मीठा भरा है। और तो और नारियल को देखो, समुद्र के तटवर्ती इलाकों में होता है और खारा पानी होता है वहां, और इतना बड़ा नारियल का पेड़ और उस नारियल के अंदर मीठा पानी भरा हुआ है, उसके अंदर ये जल किसने भरा? ये प्रभु की व्याकरण है। और नदियां देखो, कैसी सुंदर सुंदर नदियां बनाई हैं। इतना बड़ा नदी का आविष्कार कोई संसारी नहीं कर सकता। गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरा स्वरस्मृति रसुरानी कवीर्य। फलों को देखिए, सब्जियां कैसी कैसी सुंदर भगवान ने बनाई है। टमाटर 200 रुपया किलो हो गया, जो कभी सोच नहीं सकते थे।
लौकी की देखो कलर कैसा हरा होता, अंदर सफेद निकलता है। लौकी आपने काशी फल देखो ऊपर कैसा होता है, अंदर कैसा सुंदर मधुर मीठा है। करेला देखो ऊपर से हरा और नीचे अंदर कड़वा। ये सब स्वाद और पूरे रंग परमात्मा ने बनाए। ऐसी अद्भुत सृष्टि परमात्मा की है। उस परमात्मा की कैसी सुंदर व्याकरण है। और देखो और भी सब्जियों में फ्रूटों में खरबूज देखो तरबूज देखो, तरबूज कितना बड़ा बना दिया और उसमें कैसा मीठा रस भर दिया। ऐसा मीठा रस परमात्मा ने भर दिया। और आम का पेड़ इतना मोटा है, बहुत मोटा होता है कि नहीं, और उसमें छोटा फल आम का, और तरबूज की बेल उंगली से भी पतली होती है, इतना बड़ा तरबूज 20-25 किलो का होता है कि नहीं। आज दोनों संबंधन एक साथ बैठ के कथा सुन रही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो उस परमात्मा की सृष्टि देखो कैसी अद्भुत है। लेकिन परमात्मा के बनाए हुए सृष्टि के फल सब्जियां बिल्कुल सत्य हैं और परफेक्ट हैं। अल्प बुद्धि वाले किंतु परंतु करें तो उनकी कोई बात नहीं। ऐसे एक राजा था, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक राजा था और राजा ने जो है अपना काफिला के साथ जा रहा था। जून का महीना था, गर्मी का समय था। तो आगे चले राजा तो देखा एक आम का बगीचा था बहुत बड़ा। तो राजा का काफिला सेना थी साथ में, बोले आज दोपहर ही 2 घंटा यहीं रहेंगे, थोड़ा गर्मी शांत होगी, इसी बगीचे में सब लोग बैठे भोजन करें रेस्ट करें, फिर 4 बजे चलेंगे। तो जी हुजूर, मंत्री ने सब तैयारी करी और राजा का स्थान बना दिया पेड़ के, आम के पेड़ के नीचे, और प्रजा भी सब आम के नीचे पेड़, सेना सब बैठ गई, कोई भोजन कर रहा है कोई आम खा रहा है। आम पके हुए थे और वो पेड़ में लगे पके हुए टपक रहे थे। जैसे जैसे तेज गर्मी होती वैसे आम पकता है और टपकता है, डरपक आम बोलते हैं उसको, डाली से पका हुआ। तो राजा देख रहे आम की तरफ, बोले देखो राजा अपनी बुद्धि से, मंत्री जी हुजूर, बोले ये भगवान भी कभी कभी उल्टा सीधा काम कर देते हैं। जी हुजूर देखो इतना मोटा आम का पेड़ और उसमें छोटा सा आम का फल लगाया है। जी हुजूर, अब उसको तो हुजूर हुजूर करना था, मंत्री है। जी हुजूर, अच्छा और देखो मंत्री। जी हुजूर, बोले तरबूज की बेल इतनी पतली, तरबूज की बेल इतनी पतली और तरबूज इतना बड़ा लगा दिया, कैसे भगवान बेबुद्धि का काम कर देते हैं कभी कभी बताओ। अरे आम में इतना बड़ा तरबूज जैसा फल लगाना चाहिए था और बेल में पतला छोटा आम लगाते, बताओ आम लगा दिया इतने बड़े मोटे पेड़ में छोटा सा और तरबूज लगा दिया 25 किलो का पतली सी बेल। हुजूर बिल्कुल सत्य बात है आपकी। अब ऐसी कह के राजा लेट गया भोजन करके, लंच टाइम था, और लेट के पतली सी चद्दर ओढ़ी, हवा चल रही है, पका हुआ आम राजा की खोपड़ी पर गिरा। जैसे ही गिरा तो खोपड़ी में गिरते ही एकदम दिमाग ठीक हो गया और एकदम बैठ गया। क्या हुआ मंत्री? हुजूर पका हुआ आम वो फूट गया, रस भी गिर गया, कुछ सिर पे लग गया। हुजूर पका हुआ आम गिरा है। अरे मंत्री, उस परमात्मा की सृष्टि बिल्कुल सत्य है, उसने बहुत अच्छा किया कि छोटा आम लगाया। यदि आज वो 25 किलो का तरबूज जैसा आम होता तो आज हमारे सिर का भी तरबूज बन जाता। इसलिए जिस परमात्मा ने जो सृष्टि रची है
उस परमात्मा की सृष्टि बिल्कुल सत्य है, उस परमात्मा में कोई कमी नहीं निकाल सकता, वो जगत पिता परमात्मा के जैसा संसार में कोई नहीं, उस परमात्मा ने ऐसी सुंदर सृष्टि की रचना की। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं, और जो अब पेड़ लगाओगे उसका फल आगे पाओगे, और जो अब पेड़ लगा के तुम आए थे उसका फल अब पा रहे हो, और अब जो पेड़ लगाओगे उसका फल तुमको आगे मिलेगा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, सृष्टि चला रहे। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे।
कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं वहाँ पर, जो भेजने वाले हैं जहाँ वे वही वापस बुला गए हैं। चाहे सृष्टि को जिसे प्रभु ने वही सृष्टि चला की बालियों में। देखो धान का जो छिलके का कलर होता है, कभी क्रीम कलर का होता है, कोई वैसा लाल कलर का होता है, और अंदर चावल सफेद निकलते हैं। ये भगवान की ही तो सृष्टि है, रचना है। और मेहंदी हरी होती है, ऊपर से पत्ती हरी होती है, और रंग सो तो लाल होती है। समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते पर प्रभु जी फूल रंग बिरंगे खिला रहे। कैसे कैसे सुंदर सुंदर फूल हैं। फूलों को आप देखो कैसा अद्भुत अनुभव होता है। कमल का पुष्प देखो कैसा है, लोटस फ्लावर, रोज, गुलाब का फूल देखो, जूही, बेला, कनेर, कैसे सुंदर सुंदर फूल है। ये भगवान की सुंदर सृष्टि है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की विभूति विस्तार श्रवण करके राजा परीक्षित परम आनंदित हो गए, और उनको उस दिव्य विस्तृत जगत का दर्शन हो रहा है। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसलिए परमात्मा की शरणागति में जो आ जाते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है,
और यदि जो सुंदर मनुष्य का जीवन पाकर के और प्रभु परमात्मा की शरणागति में नहीं आते, भगवान के कार्यों में नहीं लगते, तो बोले ऐसे व्यक्ति को देख करके चार प्रकार के पशु हंसते हैं। भागवत में लिखा है द्वितीय स्कंध। बोले जो भगवान का भजन नहीं करते, ना कहीं जाते, ऐसे व्यक्तियों को देख के चार प्रकार के पशु हंसते हैं। स्वविट बरा होष्ट खरई संस्तुतः पुरुषा पशु नायक कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रज जातु नाम गदाग्रज। हे राजन, स्वविट बरा होष्ट खरई है। स्वविट कहते हैं कुत्ते को और बराह कहते हैं सुअर को। स्वविट बरा होष्ट खरई ही संस्तुतः पुरुषा पशु हो। खरई खर माने गधा। और उष्ट माने ऊंट। ऐसे व्यक्ति को देख के ये चार प्रकार के पशु हंसते हैं। ध्यान से सुनना, चार कौन कौन से पशु? स्वविट, स्वविट वरा होष्ट खरई ही संस्तुतः पुरुषा पशु हो। स्वविट माने कुत्ता, वराह माने सुअर, होष्ट माने ऊंट और खरई खर माने गधा। उसको बैसाखी नंदन भी कहते हैं, खर को नाम नहीं लेते हैं ज्यादातर। तो बोले ये पशु भी हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? बोले इसलिए हंसते, जब हंसते हैं, जब मनुष्य पशुओं की तरह काम करने लगता है और भजन नहीं करता है, धार्मिक कार्यों में नहीं लगता है, उल्टे काम करता है, यदि मनुष्य अपनी मनुष्यता पर रहेगा तो उसका ये मोक्ष का द्वार है, अंतिम जीवन है ये। भगवान ने 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य शरीर दिया है हम सबको, और जो मनुष्य शरीर मिला है हम सबको ये मोक्ष के लिए है। बस इस शरीर के बाद सीधा मोक्ष ही है, लेकिन मनुष्यता में रहेगा तो। लेकिन ये मनुष्य इतना खुरापाती है, ये मोक्ष नहीं चाहता। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन चार प्रकार के पशु ऐसे व्यक्ति को देख करके हंसते हैं। जो सुंदर तन पाकर, सुंदर मन पाकर, सुंदर धन पाकर, सुंदर समय पाकर, और यदि वो भजन में नहीं लगते, धार्मिक कार्यों में नहीं लगते, ऐसे व्यक्ति को देख करके वो चार प्रकार के पशु हंसते हैं। तो सबसे पहला तो कुत्ता है, श्वान जिसको कहते हैं। श्वान कुत्ता कब हंसता है? पहले तो आप कुत्ते का स्वभाव देखिए। कुत्ते का स्वभाव क्या है? कितना भी पढ़ा लिखा कुत्ता हो, इंग्लिश पढ़ा हुआ हो, सिट डाउन वो सब जानता हो, शैंपू से नहाता हो, बिल्कुल वेजिटेरियन हो, शाकाहारी, मालिक के साथ सोता हो बेड पर, और जो ही उसने अपना सजाती भाई देखा, दूसरा कुत्ता भैया, सो उसने भौंकना और घुर्राना शुरू कर दिया। फिर उसकी पढ़ाई लिखाई समाप्त, फिर इंग्लिश विंग्लिश कोई काम नहीं आनी, शैंपू से नहाने वाला कोई काम का मतलब नहीं, फलाहार कोई काम का मतलब नहीं। जो ही दूसरा कुत्ता देखा और जब तक वो अपनी सीमा से बाहर ना कर दे, तब तक वो चैन नहीं लेता है, भौंकता ही रहता है। तो कुत्ता कब हंसता है?
कुत्ता जब हंसता है, जब मनुष्य कुत्ते के जैसा काम करने लगता है। आपने देखा होगा आवारा कुत्ते घूमते हैं बेचारे, ना तो उनका बिजनेस है, ना नौकरी है, ना दो पैसे का काम करते हैं, और वो यही आशा लगा के आते हैं कि चलो इस मालिक के घर जाऊंगा तो रूखा सूखा टुकड़ा पुराना बासा मिल जाएगा तो मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। तो वो बेचारा शाम को आता हो दरवाजे पर चुपचाप दबे पैरों खड़ा हो जाता है कि कोई आएगा तो रोटी मिलेगी। अब जब नहीं आता है तो वो कान फड़फड़ाता है, फड़फड़फड़ करता है ना, वो इशारा करता है कि मैं आ गया हूँ, कुछ रोटी दो। और जैसे ही कान फड़फड़ाए कुत्ते ने, सो अंदर से डंडा लेके भागा, अरे मारो मारो कुत्ता आया। सो कुत्ता बेचारा पहले तो रोता है और फिर भागता है, वो भाग करके फिर हंसता है। तो रोता क्यों है? रोता इसलिए है कि वो भूखा है, कि इसने मुझे रोटी नहीं दी। और रोता और हंसता कब है जाके? हंसता इसलिए है कि अच्छा हुआ इसने मुझे रोटी नहीं दी, मैं भी पहले मनुष्य ही था, मेरे यहां भी ऐसे कुत्ते आते थे, मैं ऐसे ही भगाता था, तो मैं मरने के बाद कुत्ता बन गया, अब ये भी मरने के बाद कुत्ता बने, इसलिए वो हंसता है। दूसरा, जो ही दो चार छह कुत्ते एकत्रित हुए और भौंकना गुर्राना लड़ना शुरू, तो लड़ना काम पशुओं का है। घर में दो चार दस बीस आदमी आ जाएं और थोड़ी सी बात पे गुस्सा होके लड़ जाओ उनसे, तो लड़ना तो पशुओं का काम है, मनुष्य का नहीं है। उनको प्यार से बिठाओ, भोजन कराओ, उनको पूछो, प्यार दो, उनका प्यार लो। क्यों? बोले किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जिन्हें इंसान का दिल है वो नर परमार्थ करते हैं, जो सब में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। सुंदर समय मिला, सुंदर अवसर मिला और भगवान की सेवा में नहीं लगा और वो जीवन भर लड़ता रहा, तो फिर स्वविट माने कुत्ता, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, तो उसका जीवन कुत्ते के समान हो गया। तब कुत्ता हंसता है, अरे तेरे को मनुष्य शरीर मिला है, तू अच्छा कार्य कर, अच्छा काम कर, जीवन को सफल बना। कुत्ता जब हंसता है। दूसरा नंबर आया स्वविट बरा, ये भागवत की बात है, अपने मन से नहीं बना रहा। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को मनुष्य के जीवन को संभालने की बात बता रहे हैं। स्वविट वराह, वराह माने सुअर। सुअर कब हंसता है? पहले तो आप सुअर का स्वभाव समझिए। सुअर का स्वभाव क्या है? जब तक सुअर का पेट नहीं भर जाएगा तब तक वो इधर उधर मुंह डालता है, नालियों में, गंदगी में, और जब तक पेट नहीं भरे घों घों करके खाता रहता है, और जो ही पेट भरा तो उसको फिर किसी से कोई मतलब नहीं, वह चारों पैर तान के सोता है खर्राटे लगा करके। तो सुअर घूमता है, वो देखता है कि अरे इसने मनुष्य शरीर प्राप्त करके ना भजन किया, ना मनुष्य शरीर की महत्वता को, मनुष्य शरीर की महिमा को नहीं समझा, और इसको सुंदर समय मिला, अवसर मिला, सारे साधन मिले, फिर भी मेरा प्रभु का भजन नहीं किया, और ये काम तो मेरा है जो खाके सो रहा है। कहते नहीं, अरे अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बन गया बढ़िया, ये पशुवत सोच है। मनुष्य की सोच तो सबको बांट के खाए उसे इंसान कहते। तो सुअर जब हंसता है, अरे ये तो मेरे जैसा काम कर रहा है, मरने के बाद ये मेरे कुल में ही जन्म लेगा, इसलिए सुअर हंसता। तीसरा नंबर आया ऊंट का। ऊंट कब हंसता है? ऊंट हंसता है जब व्यक्ति ऊंट की तरह व्यवहार करने लगता है। ऊंट कैसे चलता है आप लोगों ने देखा? हाँ, ऊंट की चाल क्या कहने, वाह। ऊंट की गर्दन ऊंचे होती है, नीचे कुआ है, खाई है, नाग है, कांच है, कांटा है, सब कोई नहीं दिखता उसको, और ऊंची गर्दन करके चलता है।
जो व्यक्ति सुंदर धन पाकर, समय पाकर, अवसर पाकर और किसी से प्रेम से राम राम नहीं करते, जय श्री कृष्णा नहीं करते, नमस्कार नहीं करते और ये सोचते हैं पहले से हम किसी से क्यों करें, हम किसी के नौकर हैं क्या, हम कोई दबे हैं, हम किसी से कम नहीं और पिट गए तो गम नहीं, तो बोले राम राम पहले से क्यों करें, हमसे कोई करेगा तब करेंगे। और वैसे ही सूखे अभिमान में सिर उठाए चल रहे हैं ऊंट की तरह, तो ऐसे व्यक्ति को ऊंट देखता है और ऊंट देख करके बड़ा खुश होता है, अरे बोले ये काम तो मेरा है, मेरा काम ये मनुष्य कर रहा है, अच्छा हुआ करने दो, इसने भगवान का भजन नहीं किया, मैं भी पहले मनुष्य था, इसी की तरह चलता था सिर उठा के, किसी से प्रेम से नहीं बोलता था, अपनी सूखे अभिमान में रहता था और मरने के बाद में ऊंट बन गया, ये भी मरेगा तो मेरे कुल में ही जन्म लेगा। ऊंट जब हंसता है, थोड़ा सा ऊंट जब हंसता है, चौथा नंबर है खरई ही, खर माने गधा, गधा कब हंसता है, पहले तो आप गधे का स्वरूप और गधे का व्यवहार देखो, उसका प्रभाव कैसा है, एक तो वो बेटाइम पर बोलता है, उसका कोई टाइम नहीं, मुर्गा का तो टाइम है कि सुबह बोलता है 4 बजे 3 बजे समय पे बोलता है, लेकिन वो कब बोल जाए उसका कोई पता नहीं, इसलिए उसका नाम, पहले उसका स्वभाव देखें कैसा है। गधा को जीवन भर बोझा ढोना होता है और इतना उसके ऊपर बोझ लाद दिया जाता है, उसकी पीठ जो है ऐसे टेढ़ी पड़ जाती है, लचक जाती है, और बैक साइड के जो पैर है ना वो भी यूं टेढ़े हो जाते हैं, और वो ऐसे टेढ़े पैर करके चलता रहता है और उसके पीछे बैक साइड में पट्टा लगा रहता है, वो उसकी खाल कट जाती है, खून बहता है और फिर भी वो वजन लादता है और उस नहीं चलता है तो पीछे से कोड़े पड़ते हैं उसमें, गधे का जो मालिक है उसको कोड़ा मारता है, फिर चलता है, फिर चिल्लाता है, वो कैसे चिल्लाता है आप लोगों ने सुना उसका है? किसी ने गधा की बोली नहीं सुनी है, कैसे बोलता है, अरे तुम लोग कुछ नहीं जानते गधे की बोली कैसे बोलता पता है, हैं जी है, ढेंचू ढेंचू बोलता है, ऐसे नहीं बोलता, वो भगवान को याद करता है। आपके सुनना ध्यान से, हमको भी किसी संत ने बताया था, हमें भी पता नहीं था, बोले स्वामी जी वो ढेंचू ढेंचू नहीं बोलता, उसके जीवन भर उसको वजन लाद दिया जाता तो वो ईश्वर को बुलाता है, 3 स्वर में बोलता है वो, पहले तो लंबी सांस लेता है, ईश्वर है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं, फिर दूसरा कहता है कि है है है, हे ईश्वर तू है कि नहीं, मेरा जीवन ये बोझा लादते लादते बीत गया, प्रभु अब तो रहम कर, कृपा कर, अब मुझे इस योनि से छुटकारा दे दो, अब मैं आपकी भजन करूंगा। उसको पशु योनि में अपना पूर्व जन्म याद होता है, इसलिए वो ईश्वर को पुकारता है, हे ईश्वर तुम हो कि नहीं हो कि नहीं हो कि नहीं, दूसरा कहता है, इसलिए वो गधा कब हंसता है, गधा जब हंसता है जब व्यक्ति उसके जैसा बंध जाता है। बड़ी बड़ी सोसाइटियां होती है ना, उसमें नागरिक, वरिष्ठ नागरिक रहते हैं, बड़े बड़े पार्क होते हैं, तो उन पार्कों में गर्मियों में कभी कभी गधा छूट के आ जाते हैं, चरने लगते हैं, 8-10 आदमी बैठे, बोले भैया चलो जून की छुट्टियां हैं बच्चों की और चलते हैं 4 धाम की यात्रा, चलो, तो बोले चलो ये 2 सवारी हमारी, 4 हमारी, 6 हमारी, उसमें एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बैठे थे, बोले 20 सवारी हमारी, सबका नाम नोट हो गया। तू गधा सुनता है, तू गधा सुनता है तो वो बड़ा खुश होता है, लेकिन अंदर से रोता है,
कि मैं भी पहले ऐसा ही था, मैंने जीवन भर खूब संसार का काम किया और व्यस्त रहा, तीर्थों में जाने के लिए मैंने संकल्प लिया, जाने के नहीं पाया, लेकिन परमात्मा ने चलो इन धर्मात्माओं का मैं दर्शन कर लूंगा, इनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं इस गधे की योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तारीख रखी गई 25 जून को जाना है, तो गधा डेली आता है, उनके दर्शन करता है। 25 जून को बस आ गई, वॉल्वो बस, स्लीपिंग बस, उसमें कोई अपने बच्चे का हाथ पकड़े आ रहा है, कोई बिस्किट नमकीन के पैकेट लेके अपना बिस्तर लेके आ रहा है गाड़ी में, इस तरह से सबका लगेज रखा जा रहा है, कोई बढ़िया जो है सामान लेके अपना आ रहा है, गधे सबका दर्शन कर रहा है गधा। अब जिन्होंने कहा था कि 20 आदमी हमारे जाएंगे, वो उनके परिवार के ही थे, बोले हम भी चलेंगे, तो वो आए दौड़ते हुए, जो मैनेजमेंट कर रहे थे उनसे कहा, मैनेजर से, भैया आप ले जाओ 20 सवारी का, हमने पैसा आपको दिया, ये दान किया, और मैं नहीं जा सकता, सॉरी मैं अगली साल जरूर चलूंगा, यदि मैं चला गया तो मेरा कम से कम 12 लाख का खर्चा नुकसान हो जाएगा, सुपरवाइजर नहीं है मेरा है, और मैनेजर भी नहीं है, सारा काम मुझे करना पड़ेगा, ये ले जाओ आप। सो गधा सुनता है वो बड़ा खुश हुआ और दुलत्ती मारता हुआ भागा, ईश्वर है कि नहीं ऐसा चिल्लाता हुआ और बड़ा खुश हुआ, बोले चलो अच्छा हुआ, एक तो मेरी कैटेगरी का निकला, मैं भी पहले ऐसा ही था, बहुत बड़ा आदमी, मैंने भी खूब कमाया, और तीर्थों में जाने के समय में ऐसे ही व्यवधान आ जाते थे, मैं नहीं जा पाया और मैं उसी काम में बंधा रहा, ना तीर्थों में जा पाया, ना भजन कर पाया, ना जीवन की सार्थकता कर पाया, ऐसे ही बंधे बंधे सारी संपत्ति छोड़ के मैं मरा, मरने के बाद गधा बन गया। अब अच्छा हुआ, ये भी मेरे कुल में जन्म लेगा, सो दुलत्ती मारता हुआ गधा भागता है और खुश हो जाता है। स्वविद बरा होष्ट खरई ही संस्तुता पुरुषा पशु हो, नायक कर्ण पथो पे तो जातु नाम गदा ग्रजा। तो इन चार व्यक्तियों को देख के पशु हंसते हैं, और जो भगवान का नियम करता है, सुबह शाम आरती पूजा करता है, अपने गुरु मंत्र का जप करता है, तो उसको फिर वो चाहे कितनी भी संपत्ति कमावे, भगवान उसको अपनी शरण में रख लेते हैं। बोलो वृंदावन लाल की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को जब ये कथा सुनाई, तो परीक्षित भगवान के चरणों में बार बार सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके वंदन करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी भगवान प्रकट हो गए, और अब जो है सुखदेव जी की आरती करेंगे और प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि 6:30 बज गए, इसलिए अब माताएं बहनें जाके फिर भोजन बनाएंगे हैं, फिर सबको खिलाएंगी, इसलिए 6:30 ही ठीक है। वैसे 3 से 6 का टाइम है, लेकिन चलो 6:30 आधा घंटा तो चलता है, इसलिए हाँ, इसलिए आइए एक भजन के माध्यम से फिर आरती करेंगे। बोलो वृंदावन जयकारा वीर बजरंगे, जरा और जोर से बोलो। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा मोहन मोर दिलदार है। सब लोग खड़े रहो, खड़े खड़े नाचेंगे, सब नाचेंगे। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है।
मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। श्याम सलोनी सूरत पे दीदार है, श्याम सलोनी मेरे जवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ, 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 ओ काली कमली वाला मेरा यार है, का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जीवन अब तेरे सारे, ये जीवन अब तेरे साथ, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सारे, ये जीवन अब तेरे सारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ, 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 ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो श्री राधे। Thank you.
हे जीवन तेरे नाम किया है, हे जीवन तेरे नाम किया है, हे जीवन तेरे नाम किया, तुझको अपना मान लिया रे, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, क्षेत्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, मेरे मन का भोगन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का भोगन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हाँ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। अभी अभी आप पूज्य महाराज जी के द्वारा दिव्य श्रीमद् भागवत श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे थे, आप बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस और कल श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है, यानी चौथा दिन। चौथे दिन में पूज्य महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में बहुत ही सुंदर प्रसंगों का श्रवण लाभ प्राप्त होगा और सायंकालीन के सत्र में वामन भगवान का जन्म होगा, राम जन्म होगा और हम और आप सभी मिलकर के बड़ी धूमधाम से कृष्ण जन्म महोत्सव मनाएंगे, जिसमें आप सभी भक्त पीले पीले वस्त्र पहन करके आएंगे, टॉफी माखन मिश्री इत्यादि लेकर के बधाइयां लेकर के आए और यहां से खूब सारी ढेर सारी बधाइयां लेकर के जाएंगे। सभी भक्तों से निवेदन है, कोई भी भक्त आगे यहां आगे नहीं आए, आप सबके पास आरतियां पहुंच जाएगी, बहुत सारी आरतियां हमारे पास हैं, आप अपने स्थान से ही खड़े होकर के आरती का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ॐ चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखाद् विनीरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तार। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख करणी, ये सुख करणी ये दुख करणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल मग पंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला के मधुरी बोले मगर बंद को सदमार के बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को श्रुतमाय नमो नमः शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुणं शान्तिः शान्तिः।